बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। इन टुडेज़ टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ पासिंग अ पैरामीटर एंड हाउ द फंक्शन रिटर्न द वैल्यू। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ अ पासिंग अ पैरामीटर टू अ फंक्शन। पैरामीटर्स वो वैल्यूज़ होती हैं जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसको पास की जाती हैं। पैरामीटर आर गिवन इन द पैरेंथेसिस, ये हमें पता है कि पैरामीटर्स को जो है वो पैरेंथेसिस के अंदर लिखा जाता है, और अगर हमने एक से ज़्यादा पैरामीटर्स लिखने हैं तो हम उनको कॉमा डाल के सेपरेट करते हैं। अगर हमारे पास कोई भी पैरामीटर नहीं होगा तो हम पैरेंथेसिस को एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं और उसके अंदर वॉइड कीवर्ड भी लिख सकते हैं। तो यही सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ, पैरामीटर आर गिवन इन द पैरेंथेसिस इफ़ देयर आर मैनी पैरामीटर दोज आर सेपरेटेड बाई कॉमा, इफ़ दीज देयर इज़ नो पैरामीटर एम्प्टी पैरेंथेसिस आर यूज। उसके बाद द सीक्वेंस एंड द टाइप्स ऑफ अ पैरामीटर इन अ फंक्शन कॉल मस्ट बी सिमिलर टू द सीक्वेंस एंड द टाइप्स ऑफ पैरामीटर इन अ फंक्शन डिक्लेरेशन। हमने फंक्शन डिक्लेरेशन का पढ़ा था कि फंक्शन डिक्लेरेशन जो है वो बेसिकली प्रोटोटाइप होती है, जो कि हम फंक्शन की डेफिनेशन से पहले जो है वो कंपाइलर को बताने के लिए लिखते हैं, और ये हम मेन से पहले लिख सकते हैं, मेन के बाद भी लिख सकते हैं। सॉरी, ये हमें मेन से पहले ही लिखनी पड़ेगी, ठीक है। फंक्शन डेफिनेशन के अंदर आ गया कि फंक्शन डेफिनेशन जो है वो हम मेन से पहले, मेन के बाद और सेपरेट फाइल में लिख सकते हैं। तो इसके अंदर हम जो है फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर और फंक्शन कॉल के अंदर जो है वो पैरामीटर जो है उनका सीक्वेंस जो है वो सेम होगा और उनकी टाइप भी जो है वो सेम होगी। पैरामीटर इन अ फंक्शन कॉल्ड आर कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर। फंक्शन कॉल के अंदर जो पैरामीटर पास किए जाते हैं उनको एक्चुअल पैरामीटर कहा जाता है। पैरामीटर इन अ फंक्शन डिक्लेरेशन आर कॉल्ड द फॉर्मल पैरामीटर। द फॉर्मेट ऑफ द पैरामीटर आर ऑल्सो नॉन एज अ डमी आर्गूमेंट, उनको हम डमी आर्गूमेंट भी कहते हैं। फॉर्मल पैरामीटर्स वो पैरामीटर होते हैं जो फंक्शन डेफिनेशन में यूज़ हो रहे होते हैं, यानी फंक्शन के हेडर के अंदर जो है यूज़ हो रहे होते हैं। द नंबर ऑफ एक्चुअल पैरामीटर मस्ट बी सेम एज द नंबर ऑफ अ फॉर्मल पैरामीटर, इन दोनों के नंबर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर आर कॉपी टू द फॉर्मल पैरामीटर, जो एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू होती है वो फॉर्मल पैरामीटर के अंदर कॉपी हो रही होती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो है ये फंक्शन डिक्लेरेशन है, यानी फंक्शन की प्रोटोटाइप है, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रही है। इसके अंदर जो पैरामीटर होंगे वो वाले पैरामीटर जो हैं वो हमारे पास एक्चुअल पैरामीटर कहलाते हैं। एक्चुअल पैरामीटर को जब पास किया जाता है फंक्शन हेडर, यानी फंक्शन यहाँ पे ये वाली जो है हमारे पास फंक्शन कॉल है, ये वाले पैरामीटर जब इधर पास किए जाते हैं तो वो वहाँ पे क्या कहलाते हैं, फॉर्मल पैरामीटर कहलाते हैं। यानी फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन वाली जो लाइन है उसके अंदर जो पैरामीटर होंगे वो फंक्शन फॉर्मल पैरामीटर कहलाएंगे, और एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू जो है वो फॉर्मल पैरामीटर के अंदर कॉपी हो रही होती है। द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर आर कॉपी टू द फॉर्मल पैरामीटर व्हेन फंक्शन कॉल इज एग्जीक्यूटेड, जब फंक्शन कॉल एग्जीक्यूट होती है तो एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू फॉर्मल पैरामीटर के अंदर कॉपी होती है। जैसे ये अब पूरा प्रोग्राम लिखा है, वॉइड शो इंट फंक्शन डिक्लेरेशन हो रही है, वॉइड मेन आपका प्रोग्राम जो है वो शुरू हो रहा है, और शो जो है हमारे पास फंक्शन का नाम है, और यहाँ पे ये वाली हमारे पास फंक्शन कॉल है। जब यहाँ पे कंपाइलर आता है तो ये डायरेक्टली आपको यहाँ पे ले जाता है जहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन होती है। इसकी पहली लाइन जो है वो डिक्लेरे डेफिनेशन फंक्शन हेडर है, और बाकी ये इसकी डेफिनेशन है। तो यहाँ पे जो पैरामीटर है वो हमारे पास फॉर्मल पैरामीटर है, ये आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर नहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। हमने ये भी डिस्कस किया था कि हम सिर्फ डेटा टाइप भी दे सकते हैं और पैरामीटर का नाम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये डेटा टाइप भी दी हुई है और पैरामीटर का नाम भी जो है वो पास किया हुआ है।
उसके बाद हमारे पास एक प्रोग्राम आता है, उस प्रोग्राम में क्या कहा गया है, राइट अ प्रोग्राम डेट इनपुट्स अ टू नंबर इन द मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर आपने दो पैरामीटर, दो नंबर लेने हैं, पासिस दिस नंबर टू अ फंक्शन, उन नंबर को आपने फंक्शन में पास करना है। द फंक्शन डिस्प्ले द मैक्सिमम नंबर, और फंक्शन ने क्या डिस्प्ले करके देना है आपको, मैक्सिमम नंबर। देखिए मैक्सिमम नंबर रिटर्न करना है तो हम फंक्शन का नाम कुछ इस तरह का रखेंगे, जैसे कि मैक्सिमम। यहाँ से देखें ये हैश इंक्लूड हमारा प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हुआ। कॉन्यू डॉट एच वॉइड मैक्सिमम इंट ए इंट बी, ये क्या चीज़ है, ये फंक्शन डिक्लेरेशन है, यानी कंपाइलर को हम बता रहे हैं कि इस तरह का हमारा कोई फंक्शन जो है वो इस्तेमाल होगा। उसके अंदर दो पैरामीटर हैं, दोनों इंटीजर टाइप के हैं। वॉइड मेन से आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, उसके बाद आपने मेन के अंदर उसने कहा था ना कि दो वेरिएबल लेने हैं, तो हम मेन के अंदर दो नंबर ले रहे हैं इंट एक्स और वाई। एंटर द टू नंबर, ये हमने यूज़र से नंबर एंटर कराए। अब मैक्सिमम नाम का जो फंक्शन है जिसको हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया था, ये यहाँ पर डिक्लेयर किया था, उसको यहाँ पे क्या किया जा रहा है, कॉल किया जा रहा है। जब ये कॉल पे आएगा तो डेफिनेटली ये कहाँ पे मूव करेगा, उसकी डेफिनेशन पे। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है जहाँ पे वॉइड मैक्सिमम इंट ए और इंट बी, ठीक है। अब वही वाला सीक्वेंस जो है फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर है, वही फंक्शन डेफिनेशन के अंदर है। यहाँ पे जो पैरामीटर है फंक्शन कॉल के अंदर वो एक्चुअल पैरामीटर है, और यहाँ पे जो है वो फॉर्मल पैरामीटर है। अब हमने अंदर लॉजिक क्या लगाया, इफ़ ए ग्रेटर देन बी, अगर तो ए बी से बड़ा है तो डेफिनेटली ए हमारा मैक्सिमम नंबर होगा, एल्स कौन सा नंबर हमारा बड़ा होगा, बी। इसका रिजल्ट जो है कंपाइलर यहाँ पे दे देगा और प्रोग्राम हमारा ये गेट सी एच वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी और एंड हो जाएगा। इसके अलावा भी और भी प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि टेबल प्रिंट कराना है या फैक्टोरियल लेना है नंबर का, तो फैक्टोरियल लेना है। और इसके अलावा एक और था पावर वाला फंक्शन, वो आप खुद से ट्राई करेंगे, उन्हें अपने रजिस्टर पे करेंगे और मुझे असाइनमेंट के तौर पर सेंड करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हाउ डज अ फंक्शन रिटर्न अ वैल्यू, फंक्शन किस तरह से वैल्यू को रिटर्न करता है, हाउ कैन दिस वैल्यू बी यूज, और उस वैल्यू को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। फंक्शन को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम उसकी रिटर्न टाइप लिखते हैं ना, डिक्लेरेशन में भी और फंक्शन कॉल में भी, अगर तो वो कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा हो तो उसका क्या पर्पस है और किस तरह से उसको यूज़ करते हैं। फंक्शन कैन रिटर्न अ सिंगल वैल्यू, फंक्शन जो है हमारा सिंगल वैल्यू को रिटर्न करता है। द रिटर्न टाइप ऑफ अ फंक्शन डिक्लेरेशन इंडिकेट द टाइप ऑफ वैल्यू रिटर्न बाय द फंक्शन। अब फंक्शन की रिटर्न टाइप ये इंडिकेट करती है कि उसने किस तरह की वैल्यू रिटर्न करनी है। फॉर एग्जांपल इंट इज़ यूज टू रिटर्न अ टाइप इफ़ द फंक्शन रिटर्न द इंटीजर टाइप, अगर तो वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा तो हम इंट यूज़ करेंगे। इफ़ फंक्शन रिटर्न अ नो वैल्यू, की वर्ड वॉइड इज़ यूज। मैंने आपको बार बार बताया कि अगर फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता तो हम वॉइड जो है वो लगा देते हैं। द की वर्ड रिटर्न इज़ यूज टू रिटर्न द वैल्यू बैक टू द कॉलिंग फंक्शन। कॉलिंग फंक्शन जिस फंक्शन ने उसे बुलाया है उस तक वैल्यू को रिटर्न करने के लिए हम रिटर्न का की वर्ड यूज़ करते हैं। ये फंक्शन के सिंटैक्स में भी मैंने आपको बताया था। द कंट्रोल मूव्स बैक टू द कॉलिंग फंक्शन, कंट्रोल जो है वो जब फंक्शन डेफिनेशन से काम करवा के वापस आता है तो वो कॉलिंग फंक्शन पे आ जाता है। एंड द रिटर्न वैल्यू व्हेन द रिटर्न स्टेटमेंट इज़ एग्जीक्यूट इन अ फंक्शन, और जब रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है तो उसको वैल्यू जो है वो रिटर्न करता है। इसका सिंपल सा सिंटेक्स क्या है, रिटर्न आगे एक्सप्रेशन जो भी आप यूज़ करते हैं। एक्सप्रेशन जो है वो हमारा कोई भी वेरिएबल हो सकता है, कॉन्स्टेंट हो सकता है, मैथमेटिक एक्सप्रेशन हो सकता है इस, और ये यूज़ होते हैं कॉलिंग फंक्शन को वैल्यू रिटर्न करने के लिए। तो कॉलिंग फंक्शन कैन यूज़ द रिटर्न वैल्यू इन असाइनमेंट स्टेटमेंट। कॉलिंग फंक्शन की जो वैल्यू रिटर्न होती है वो किसी भी तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं, असाइनमेंट स्टेटमेंट के अंदर, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के अंदर और आउटपुट स्टेटमेंट के अंदर। सबसे पहले हम देखते हैं कि असाइनमेंट स्टेटमेंट के अंदर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। द कॉलिंग फंक्शन कैन स्टोर द रिटर्न वैल्यू इन अ वेरिएबल देन यूज़ द वेरिएबल इन द प्रोग्राम। कॉलिंग फंक्शन क्या कर सकता है, जो वैल्यू रिटर्न होगी वो किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर ले और फिर उस वेरिएबल को यूज़ कर ले। यहाँ पे हमारे पास फंक्शन डिक्लेरेशन है, यानी कि फंक्शन को डिक्लेयर किया गया है क्यूब के नाम से, और इसके अंदर वेरिएबल जो पास किया गया है, पैरामीटर जो पास किया गया है, उसकी टाइप इंटीजर है। आप इसके साथ
वेरिएबल भी लिख सकते हैं या उसकी कैली टाइप भी दे सकते हैं, वॉइड मेन है। और यहाँ पे हमारा जो है, उसके बाद हमने दो वेरिएबल लिए हैं एन और सी के, और यूज़र से उनकी वैल्यू जो है वो ली है। एन सी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, क्यूब नाम का जो फंक्शन था वो यहाँ पे कॉल हो रहा है, और उसकी जो भी वैल्यू रिटर्न होगी वो किसको पास कर रहे हैं, सी वेरिएबल को पास कर रहे हैं। उसके बाद सी को जो है वो प्रिंट करा रहे हैं। तो डेफिनेटली जब कंपाइलर यहाँ पे आएगा तो वो कहाँ मूव करेगा, फंक्शन की डेफिनेशन पर। फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर इंट क्यूब इंट नम, यानी ये फंक्शन की रिटर्न टाइप, ये फंक्शन का नेम, ये उसके अंदर पैरामीटर, और ये फंक्शन ने जो टास्क परफॉर्म करना है उस नंबर का जो है क्यूब किया, क्यूब करके ये रिटर्न किसको कर देगा, इस कॉलिंग फंक्शन को, और कॉलिंग फंक्शन किसके अंदर स्टोर कर रहा है, सी के अंदर। तो फिर हमने एट द एंड जब यहाँ पे वैल्यू आ गई तो हमने सी को जो है वो प्रिंट करा दिया। एक तरीका कार ये है, और एक तरीका कार क्या है, रैथमेटिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में भी आप उसको लिख सकती हैं। अब रैथमेटिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, द कॉलिंग फंक्शन कैन यूज़ द रिटर्न वैल्यू डायरेक्टली इन एन अरेथमेटिक एक्सप्रेशन। जो कॉलिंग फंक्शन है जो वैल्यू रिटर्न करता है, फंक्शन डेफिनेशन से जो वैल्यू रिटर्न होके आती है वो वाली वैल्यू जो है वो एक्सप्रेशन के फॉर्म में भी यूज़ की जा सकती है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो वही वाला हमारा क्यूब का जो है फंक्शन डिक्लेयर हुआ, और यहाँ पे हम उसको एज अ रैथमेटिक एक्सप्रेशन के तौर पर यूज़ करें, यानी क्यूब की जो भी वैल्यू रिटर्न हुई है उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद सी के अंदर स्टोर करें। तो ये हमारा एक रैथमेटिक एक्सप्रेशन है। अब उस वैल्यू को फिर हम डिस्प्ले कर देंगे, ये यहाँ से जब कॉल होगी तो कंपाइलर यहाँ पे जाएगा, इसकी सारी कैलकुलेशन करेगा, वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करेगा, फिर 5 से मल्टीप्लाई करेगा और सी के अंदर स्टोर कर देगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आउटपुट स्टेटमेंट है, द कॉलिंग फंक्शन कैन यूज़ द रिटर्न वैल्यू डायरेक्टली इन आउटपुट स्टेटमेंट। कॉलिंग फंक्शन जो है वो रिटर्न वैल्यू को डायरेक्टली भी आउटपुट स्टेटमेंट में यूज़ कर सकता है। किस तरह से, अब जैसे वही क्यूब वाले फंक्शन की हम एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको, ये सारा हमने प्रोग्राम लिखा, इसके अंदर हमने जो नंबर लिया, और ये कॉल कहाँ पे हो रही है, अब कॉल यहाँ पे हो रही है, ठीक है, एक एक आउटपुट स्टेटमेंट के अंदर। जब डेफिनेटली जब इसके अंदर कॉल होगी तो कंपाइलर यहाँ जाएगा, इसका जो भी रिजल्ट होगा वापस इस तक लेके आएगा और आउटपुट स्टेटमेंट में इसको प्रिंट कर देगा। इस तरह से भी हम यूज़ कर सकते हैं। दीज आर द डिफरेंट मैथड टू यूज़ द रिटर्न वैल्यू फ्रॉम अ फंक्शन। उसके बाद हमारे पास एक प्रोग्राम लिखा हुआ, राइट अ प्रोग्राम डेट इनपुट्स अ टू नंबर इन अ मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर आपने दो नंबर लेने हैं, पासिस दिस नंबर टू अ फंक्शन, और उन नंबर को आपने फंक्शन को पास करना है। द फंक्शन रिटर्न द मैक्सिमम नंबर बैक टू अ मेन फंक्शन। फंक्शन क्या करता है, जो मैक्सिमम नंबर होता है वो मेन फंक्शन को रिटर्न करता है। वेयर द रिटर्न नंबर इज़ डिस्प्ले, जहाँ पर रिटर्न नंबर जो है डिस्प्ले किया जाता है। तो आपने मैक्सिमम के नाम का क्या किया है, एक फंक्शन बनाया, यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर किया, और उसकी रिटर्न टाइप आपने इंटीजर लिखी है, इसके अंदर दो वेरिएबल पास किए इंटीजर टाइप के। अब मेन के अंदर हम जो है इंट एक्स वाई ले रहे हैं, यानी एंटर करवा रहे हैं यूज़र से नंबर, यूज़र ने नंबर एंटर किए। मैक्सिमम का फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है और इसके अंदर दो वेरिएबल पास किए हुए हैं, एक्स और वाई पैरामीटर जो है वो पास किए हैं। इनकी टाइप जो है आपने पहले यहाँ पे बता दी थी ना इंट एक्स वाई, तो ज़रूरी नहीं है कि अब आप यहाँ पे भी बताएं, या आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। जब इसको कॉल होगी तो कंपाइलर आपका यहाँ पे मूव करेगा, यहाँ पे क्या है इंट मैक्सिमम इंट ए और बी। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, जब कंपाइलर वो वाला यहाँ पे रिटर्न कर देगा फिर हम उसको एम को डिस्प्ले कर लेंगे, तो हमारा रिज़ल्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ नहीं समझ आई, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट भी आप लोगों के काफ़ी प्रोग्राम दिए हुए हैं, आपने इस टॉपिक के सारे प्रोग्राम जो है वो करने हैं लोकल वेरिएबल से ऊपर तक। जो चीज़ नहीं समझ आएगी वो आप लोग